Hello students, we were discussing the chapter number 5, that is classification of elements. So in the previous videos we have discussed introduction of periodic table and some properties, how to check the position of an element in periodic table. ठीक है, और उससे पहले उसके बाद हमने किया फिर आपका वैलेंसी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर, दैट इज एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस और वी कैन से एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज एटॉमिक रेडियस. सो टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक रेडियस, लेट्स हैव एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल, वी हैव एन एटम, सपोज हाइड्रोजन एंड हैविंग सिंगल शेल. इसके पास एक शेल है. So the total distance between, total distance between nucleus and outermost shell is called the radius, is called the radius of an atom. ठीक है, ये बट हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मेजर द एटॉमिक रेडियस. फॉर दिस वी मस्ट टेक होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस इज H2. सपोज ये मैंने Cl2 ले लिया. ठीक है, ये इनके न्यूक्लियस है. एग्जाम्पल है इसका Cl2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डी. डी इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. एंड हाफ ऑफ डी इज कॉल्ड आर, द रेडियस. ठीक है, टोटल डी फॉर सीएल एटम, इन केस ऑफ सीएल एटम. ठीक है, it is 198 picometer and A is 198 divided by 2, that will be 99 picometer. 1 picometer, sorry, either now this will become 1 meter is just to 10 to the power minus 12 picometer. ठीक है, यार चलिए. तो ये मैंने केवल एग्जांपल बताया आपको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. आपके पास ऐसा नहीं पूछेगा कि किसी एटम का रेडियस कितना है, या आप कैलकुलेट करके बताइए कि रेडियस कितना होता है. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमको क्या करना है, ये देखना है, जस्ट कंपैरिजन. हमको कंपेयर करना है केवल और केवल, और कुछ नहीं करना. कंपेरिजन बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, दो एटम के बिटवीन हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. ठीक है, इसके लिए वी मस्ट अप्लाई द एटॉमिक रेडियस कांसेप्ट थ्रू द पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो कि हम करेंगे अभी. ठीक है, तो अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन था एटॉमिक रेडियस का. ठीक है, आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ से यहाँ तक आज जब बता दिया तो इसकी क्या जरूरत है. हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है डायरेक्टली आप किसी को कर पाओ. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करने के हमारे पास मेथड्स और भी हैं, फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. ठीक है, so this is the introduction. After this we will apply the concept of atomic radius in periodic table. You can take the screenshot of this. Thank you.
ठीक है चलिए, तो एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का, सपोज सोडियम है, चलिए यहाँ देखते हैं वेरिएशन, क्वेश्चन यही से आएगा थ्रू पीरियडिक टेबल, ठीक है, वेरिएशन थ्रू पीरियडिक टेबल हमको समझना है ऑफ एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर एक दो छोटे से फॉर्मूले आप उसको याद रखेंगे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चेयर। ये कब चेक करना है आपको, इन ग्रुप, ये ग्रुप में जब आप किसी को मेजर करोगे तब चेक करना, जैसे कि आपके पास सोडियम है और फिर नीचे आता है इसके पोटेशियम 11 एंड 19, 281 एंड 2881, टोटल नंबर ऑफ शेल 3, टोटल नंबर ऑफ शेल 4, जिसके पास शेल ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, तो रेडियस ऑफ पोटेशियम विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ सोडियम, एक तो आपको ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ये फर्स्ट था इन ग्रुप, ठीक है, ए बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कब, इन पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, और ये आपका टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया पोटेशियम, और इसके बाद राइट साइड में इसके कैल्शियम आता, पोटेशियम 19 एंड इट इज 20, 2881 इट इज 2882। अब यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट हम लगाते हैं वापस नंबर ऑफ शेल वाला, क्योंकि नंबर ऑफ शेल वाले इक्वल होते हैं, तो जब ये इक्वल होते हैं तो हमको क्या करना होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन किसके ज्यादा है, प्रोटोन इसके पास प्रोटोन कितने हैं, पोटेशियम के पास प्रोटोन है 19 और यहाँ प्रोटोन है 20, ठीक है। तो क्या होगा, जिसके पास प्रोटोन ज्यादा उसका रेडियस कम, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कैल्शियम लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ पोटेशियम, तो ये आपको कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, ये दो उसके मेथड है। जब पीरियड टेबल में हमेशा क्वेश्चन यही आएगा, अभी भी किसी एक अकेले एटम का रेडियस आपसे नहीं पूछेगा, हमेशा दो एटम देगा, दो से ज्यादा भी दे सकता है, और जब पूछेगा तो उनमें कंपैरिजन पूछेगा कि किसका रेडियस कम है किसका ज्यादा है, दो ही रूल लगाने, पहले सबसे पहले यही देख लेंगे कि शेल किसकी इक्वल है, जिनकी इक्वल है वहां यहाँ ये वाला लगा दें, क्योंकि जब किसी सॉरी जब इक्वल होती है तो शेल यहाँ ये वाला लगा देंगे, क्योंकि जब पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल इक्वल होते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो जैसे बढ़ेंगे तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। आपको इसको विजुअलाइज में करके दिखा देता हूँ, सोडियम 1, 2 एंड 3 शेल, whereas पोटेशियम 1, 2, 3, 4 शेल, ठीक है, ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ की क्या केस है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दोनों लगभग इक्वल हैं। अब रीजन क्या होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो एटम श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, कैल्शियम के, सोडियम के पास, पोटेशियम के पास 19 है, तो ये श्रिंक हो जाएगा, कैल्शियम श्रिंक होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है ड्यू टू द मोर पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, ये ठीक है। तो ये ऐसे हमको एटॉमिक रेडियस चेक करना, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
चलिए नेक्स्ट। अभी एक हमने यहाँ पर मैं इसके रिजल्ट्स लिखूंगा, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने टॉप टू बॉटम, इसका मतलब होता है इन ग्रुप, इधर लिखा मैंने लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब होता है इन पीरियड, हेलो नमस्ते, देख लिया, हाँ एक खुली रही है साइट, तो जब भी खुलेगी बता देंगे, अभी वैसे डाउनलोड कर रहे हैं इसमें। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे दूँगा, लिख के भेज दो, मैं अभी क्लास दे रहा हूँ ना ऑनलाइन, ठीक है मैं अभी। चलिए तो ये दो है, और इसमें मैंने रेडियस के बारे में क्या निकाला है, अगर आप सिंपल सी बात है देखना ध्यान से, ये टेबल इसके याद है, सब खेल खत्म, उसमें सब कुछ याद है, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होती है, ठीक है, इतना भी अगर किसी के याद है ना तो पूरा चैप्टर क्लियर है, रिजन बाकी चीजें इसका उल्टा होंगी, ये डाउन जाएगा ये अप जाएगा बस, लेकिन उसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी रेडियस किया हमने, इसके बाद हम एक चीज और करेंगे, ये मैं आपको अलग से करा रहा हूँ और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लेना बस इसको, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिनोटेड बाय En, ठीक है, इट इज द पावर ऑफ एन एटम, पावर ऑफ एन एटम थ्रू विच इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिंपल सी एक बात है, चार्ज इन न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, जिसके पास चार्ज ज्यादा हो चार्ज इन न्यूक्लियस वो ज्यादा करेगा, जिसके पास कम होगा वो कम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंपेयर करें इन ग्रुप और इन पीरियड, ठीक है, अगर इन ग्रुप की बात करूं तो टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, ये लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं न्यूक्लियस भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, रीजन यहाँ एक शेल थी यहाँ दो शेल है, यहाँ डिस्टेंस कम थी यहाँ डिस्टेंस ज्यादा था, ड्यू टू द मोर डिस्टेंस मोर रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज थी, दूर से खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर ये भी यहाँ ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में सेल सेम होती है, अब सेम है यहाँ प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा, इसके प्रोटॉन ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है, इसको मैं इंक्रीज करके लिखता हूँ, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, जस्ट ये कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करो, इन ग्रुप डिक्रीजेस इंक्रीज, ठीक है, ये इसका रीजन समझना है, तो रीजन ये है कि जैसे जैसे शेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट पे हम चेक करेंगे तो न्यूक्लियस से तो उसको खींचना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड हो रहा है सेकंड में, उसके साथ साथ में प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, हर केस पर जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो प्रोटॉन बढ़ने के साथ न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा होगा, और उसी दूरी पे पहले खींच रहा था उसी दूरी पे अब खींच रहा है, लेकिन अब न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अट्रैक्ट कर पाएगा और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है भैया, मेटालिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली और नॉन मेटालिक करेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके फिजिक्स में आ रहा है, ठीक है, तो मेटल में मेटालिक करेक्टर, अगर मेटालिक करेक्टर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये घट रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, नॉन मेटालिक में ये होगा,
चलिए तो आज के लिए इतना ही, मैटर इग्नोर मैटर को और ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलिए।